दोस्तों आज था 31 दिसंबर 2022 और आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं जा रहा था घर। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने बक्सर जा रहा था घर और मैं ई रिक्शा से जा रहा था और ई रिक्शा में एक भैया मुझे मिल गए थे जो ई रिक्शा चला रहे थे। काफ़ी ज्ञान की बातें बता रहे थे मुझे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो यही बात करते करते आप देख सकते हैं कितनी बातें कर रहे हो, एकदम पूरा समझा समझा कर बातें कर रहे थे। मैंने बोला भैया सामने भी देखिए, कहीं लड़ा मत दीजिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर ऐसे स्टेशन पहुँचे और भैया मतलब इतना इम्प्रेस हो गए थे और मैं उनसे भाई इतना बातें कर रहा था कि वो एंड में जाते जाते मैं उन्हें पैसे दे रहा था। अभी आप देखिएगा, अभी मुझे वो समझा ही रहे थे कैसे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए सारी चीज़ें। मैं उन्हें पैसे दे रहा था, वो ले ही नहीं रहे थे। देखिए मैं दे रहा था पैसे, लीजिए भैया लीजिए लीजिए, अरे नहीं दिल से नहीं ले, मतलब दिल से खुश हूँ मैं, मैं नहीं लूँगा। फिर मुलाकात होगी, मैंने बोला भाई आपकी कमाई है आप लीजिए, नहीं तो मैं रख के चला जाऊँगा यहाँ से। तो फिर बहुत देर के बाद उन्होंने वो आखिर ले ही लिया और फिर उसके बाद मैं स्टेशन की तरफ चला। स्टेशन जाने के बाद थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन आ गई और उसके बाद ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख सकते हैं लोग बाहर तक खड़े। फिर अरे नमकीन वाले चाचा, हटिए हटिए हटिए। तो उसके बाद ट्रेन रुकी भाई साहब, उसमें इतने लोग थे देख रहे, बाहर तक भरी हुई है ट्रेन। तो फिर मैं थोड़ी देर वेट किया, हर एक डब्बे को देख रहा था कौन सा डब्बा है जो खाली है जिसमें मैं आराम से बैठ सकूं। ये तो एसी वाली कोच थी, इसमें तो जाना ही था, ये तो फाइन भर देता। उसके बाद जाते जाते किसी एक डब्बे में मुझे जगह मिला और मैं उस डब्बे में चढ़ गया। उस डब्बे में मैं बैठा तो मैंने देखा, अरे भाई साहब ये तो अपनी स्टूडेंट है श्री अग्रवाल क्लास 5 की। मैं वहाँ से चला गया और फिल्म में देख रहा था, अरे ये टाइगर श्रॉफ का क्या करने आ गया भाई, वो नहीं ये टाइगर श्रॉफ नहीं है, ये है कोई एक्टर। मैं एक मूवी देख रहा था वेडनेसडे, वेडनेसडे इज अ हॉलीवुड वेब सीरीज, तो मैं देख रहा था भाई। और उसके बाद एक छोटा बच्चा था वो देखने के लिए मेरे पास आ गया, मैंने उसको अपने पास बिठाया और मैं उसे दिखा रहा था, उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था क्योंकि ईयरबड्स में साउंड आ रहा था, बट वो देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था मेरे टैबलेट में। तो बैठ कर मेरे साथ कुछ देर देखा, तब तक मेरा स्टॉप पे जाने वाला था, मैं अपने बक्सर से मात्र 2-4 किलोमीटर दूर था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें पैकअप की और फिर से अपने बैग में रखा टैबलेट और तब तक मेरा स्टेशन आ गया, मेरा बक्सर मेरा होम टाउन। और आप देख सकते हैं स्टेशन पर कितनी चहल पहल थी, लोग छुट्टियों में अपने घर आ रहे थे, 1 जनवरी सेलिब्रेट करने आ रहे थे। और ये मेरा बक्सर, यार कुछ भी हो अगर आप घर से बाहर काम करते हैं और जब लौट के आते हैं ना तो खुशी का वो लेवल ही अलग होता है, मज़ा ही आ जाता है। तो मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में मुझे मिली बहुत सारी भेड़ें भाई साहब, ये मतलब एक साथ रहती है ना ये भेड़ चाल वाली बात, मुझे देखकर एक बात याद आ गई कि भेड़ चाल वाली चाल नहीं चलनी चाहिए। अक्सर हम लोग यही करते हैं। नए साल में ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब हम लोग कहीं जाते हैं ना तो भेड़ चाल वाली चाल नहीं करनी चाहिए, कि वो कर रहा था मैं भी करूँगा। और ये रहा हमारा पांडेपट्टी, ये गुमटी है रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ पर हमेशा की तरह जब भी ट्रेन आती है यहाँ पर जाम हो जाता है भाई साहब, और ये इतना कंजेस्टेड प्लेस है ना, जाम हो जाता है यहाँ पर। देख सकते हैं आप इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ, देख लीजिए वो क्रॉसिंग रहा लेफ्ट साइड में। हाँ लेकिन मुझे क्या, मुझे तो सीधे जाना था इसलिए मुझे कुछ लेना देना नहीं था उस भीड़ से, और मैं इस रास्ते चल पड़ा अपने घर की तरफ। जब घर आया तो मैं अपने दोस्त के यहाँ गया और उसकी बेटी बहुत प्यारी है, हालांकि उसकी 5-6 दिन पहले तबीयत ख़राब थी लेकिन अभी वो ठीक थी और वो बहुत बहुत ज़्यादा खेल रही थी साथ में। अभी तो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन बंदा है, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ इससे मिलने जाता हूँ तो मतलब ये मुझे पहले 2-3 दिन पहचानेगी आखिर है कौन। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पहचान गई और मेरे साथ खेल रही थी थोड़ा थोड़ा, ये मेरा दोस्त, और ये मेरे बाल नोच रही थी और मैं बाटी खा रहा था सूखी बाटी और वो मेरे साथ खेल रही थी। बहुत मज़ा आया उसके साथ खेल करके। अब मौका ही कहाँ मिलता यार, जब हम लोग कहीं दूर रहते थे फिर मौका नहीं मिलता। तब तक इसी बीच मम्मी का कॉल आया था और उसके बाद खा रहा हूँ साग है, ये खेसारी का साग है, खेसारी वो एक्टर नहीं, खेसारी एक टाइप का दाल होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता बट उसका साग बहुत टेस्टी होता है। तो खेसारी का साग है, ये धनिया की चटनी है और ये चावल और ये इतनी सारी मैंने हरी मिर्च ले रखी है। तो अब यहाँ पर मेरा होता है घर का खाना, आज पहला दिन है यहाँ पे और
आई होप आप लोग को पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैंने पहली बार वॉइस ओवर ब्लॉग बनाया है, ये एंड में मैं भी बात कर रहा हूँ, तो वॉइस ओवर ब्लॉग पहली बार बनाया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।